हेलो स्टूडेंट, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पेंट, इसमें आज हम टेक्स्ट टूल करेंगे। पहले ये टेक्स्ट टूल है, इसमें हम एक छोटा सा वर्ड लिख रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा फ्लावर्स, ठीक है। अब हम फ्लावर्स को क्या करेंगे, यहाँ से कलर्स सेलेक्ट करेंगे। कलर्स के बाद हम यहाँ से इसका साइज लेंगे, स्टाइल लेंगे, कौन जैसा भी हमें स्टाइल चाहिए, जो भी हमें पसंद हो। इसके बाद हम यहाँ से इसका साइज लेंगे, कितने हमें साइज में चाहिए। जैसे मैंने 36 लिया है, बोल्ड, बोल्ड में डार्क हो जाता है, इटैलिक में तिरछा और यू में अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन ऑफ कर दिया मैंने, इटैलिक भी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ बोल्ड चाहिए, राइट। हमने एक वर्ड लिखा फ्लावर्स, आपने देखा हमने कैसे टेक्स्ट की सेटिंग करी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट टूल की मदद से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब आप कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, रोटेट, रोटेट पे क्लिक करेंगे 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री में रोटेट हो गया हमारा। मैं अंडू कर रही हूँ। पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब पेस्ट किया, ये जो हमने पेस्ट किया है इसको मैं रोटेट कर रही हूँ 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में। देखिए इसको हमने जब राइट डायरेक्शन में रोटेट किया तो ऐसे आया। फिर से मैं अगेन पेस्ट कर रही हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं लेफ़्ट डायरेक्शन में। जब हमने लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट किया तो इसकी कंडीशन ऐसे आई। अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब हम जो रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री, ये देखिए 180 डिग्री में रोटेट किया तो इसकी डायरेक्शन हमारी कैसे आई, डिफरेंट आई है। अब हम फिर पेस्ट कर रही हूँ अगेन मैं। अब मैं रोटेट कर रही हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे हम मिरर को नीचे रखते हैं, नीचे रखेंगे तो मिरर को ऐसी ही इमेज आएगी इसकी। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में। अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में, सॉरी। अब मैं कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर मिरर सामने रखेंगे तो इमेज ऐसी आएगी। आपने देखा मैंने क्या था, राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट, राइट लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री, 180 डिग्री ऑफ ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स डायरेक्शन में मैंने रोटेट किया टेक्स्ट को। अब हम ये हमने टेक्स्ट के लिए किया है, क्यों ना हम इसको किसी इमेज के लिए करें। तो इसके लिए पहले मैं न्यू कर रही हूँ। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर ट्राइंगल्स लिया है, ठीक है। हम इसमें कलर्स करेंगे, पहले यहाँ से फिल कलर ले लेंगे और मैंने कलर किया, ठीक है। एक ही शेप बन गई। इस शेप को पहले क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किया है, यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ से पेस्ट किया। पेस्ट करने से क्या हो गया, दो बन गए हैं। अब हम रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री। ये देखिए अभी देखो ये इसके ऊपर आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट में जाके ट्रांसपेरेंट करते हैं। अभी देखिए सही आ गया। अब बिल्कुल अगेन पेस्ट कर रहे हैं हम। अब क्यों मैं रोटेट कर रही हूँ 90 डिग्री लेफ्ट में। ये देखिए लेफ्ट में 90 डिग्री होगा, राइट। अब फिर अगेन मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब क्या मैं रोटेट कर रही हूँ, इसमें हमें कैसे चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए। अपोजिट नीचे की डायरेक्शन में हमारा किससे आया था, वर्टिकल से। तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में किया है ये रोटेट अब की बार, और हमने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। देखा हमने एक ट्राइंगल से एक न्यू शेप ड्रॉ करी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में छोटा सा सर्कल बना देते हैं। ये देखिए एक हमारी न्यू शेप बन के आ गई यहाँ पर। इसमें फिल कलर कर देते हैं, कोई भी कलर चूज करके। ये देखिए एक नई शेप, और फिर यहाँ से हम फिर अगेन एक इसमें ड्रॉ कर देंगे। कलर पहले यहाँ से चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक कर लेते हैं। ये देखिए हमने ब्राउन कलर किया है। अगेन फिर हम यहाँ से इसमें फिल टूल्स लेके एक न्यू कलर फिल कर देंगे। ये देखिए एक नई शेप बन के आ गई। हमने कुछ भी नहीं किया, रोटेट टूल्स का यूज किया। और हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया है हमने और पेस्ट किया है। ये देखिए एक ही बनाया था हमने, एक से हमारा दूसरा बन गया, राइट। इसके बाद हम इसको वापस मैंने पेस्ट किया है और फिर हमने एक तीसरा बना दिया, ठीक है। तीन हमने बना दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एक और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर चार हो गए। ये देखिए एक हमारा सुंदर सा इसमें डिजाइंस बन के आ गया है। एक बार हमने पहले क्या किया था, एक पिक्चर ड्रॉ, एक शेप ड्रॉ करी थी, उसको हमने क्या किया, रोटेट करके एक इमेज, एक शेप्स, न्यू शेप बनाई और फिर हमने कॉपी पेस्ट किया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करें, इसके चारों तरफ पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन पॉइंट्स की मदद से इसका साइज छोटा कर देते हैं। देखिए साइज छोटा कर दिया मैंने।
इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन से भी, एवरी डायरेक्शन से। ये देखिए साइज छोटा हो रहा है, ये देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इसको, राइट। अब देखिए एक ही हमने शेप बन गई। अब इसको वापस हम अगेन कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन कॉपी किया और पेस्ट किया और रोटेट किस डायरेक्शन में किया हमने, 90 डिग्री के डायरेक्शन में। यहाँ से हमें ट्रांसपेरेंट ले लेंगे वापस। ये देखिए ये हमारी शेप्स बन के आ गई न्यू। देखिए अब ये हम इसको वापस इसको कॉपी कर लेते जो हमारा सेलेक्ट है ये वाला, जो हमने ये अभी बनाया ना इसको सेलेक्ट कर लेते हैं वापस ना अगेन, तो हमें रोटेट नहीं करना पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये देखिए वापस हमने इसको इस डायरेक्शन में लगा दिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को कॉपी करेंगे क्योंकि हमें नीचे की साइड इसी डायरेक्शन की शेप चाहिए, राइट। फिर इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ये देखिए हमने वापस यहाँ लगा दिया। अब देखिए एक सुंदर सा बैकग्राउंड बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर्स ले लेते हैं पहले, और यहाँ पर क्या करेंगे एक सुंदर सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक कलर फिल करेंगे, सुंदर सा प्यारा सा कलर कोई भी आप ले सकते हो, राइट। और एक रेक्टेंगल हम ब्लैक कलर का चारों इसके कॉर्नर पे भी बना देते हैं रेक्टेंगल्स टूल्स की मदद से। ये देखिए ये हमारे एक रेक्टेंगल्स बन गया। अब एक फोटो फ्रेम के जैसे लग रहा होगा आपको, हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने कलर्स कर दिए। अब देखिए सुंदर सा फोटो फ्रेम लग रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट से कुछ भी लिख देंगे, जैसे क्या वर्ड्स लिख दूँ, अपने सॉफ्टवेयर का नाम ही लिख दी जो उनसे हम कर रहे हैं, माइक्रो सॉफ्ट पेंट, राइट। अब आपने देखा हमने एक इसमें क्या किया, थोड़ा सा इसको नीचे रख दें उठा के, थोड़ा सेंटर्स में रखा जाएगा तो ये अच्छा लगेगा हमें। ये देखिए सेंटर्स में, यहाँ पर हम ये वाला येलो कलर वापस अगेन कर देंगे यहाँ से फिल लेके। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा, पहले हमने टेक्स्ट टूल से लिखना सीखा, फिर हमने रोटेट टूल्स यूज किया, रोटेट टूल से कॉपी पेस्ट करके हमने क्या किया है, इमेज बनाई है। इसके बाद हमने एक शेप बनाई है, न्यू शेप, न्यू शेप से हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके सुंदर सा फोटो फ्रेम तैयार किया है। इस तरीके से आप भी छोटा सा फोटो फ्रेम तैयार कीजिए, इसमें शेप्स बनी हुई है, इन शेप्स की मदद से भी आप कर सकते हो। तो क्या लिख दें, इसका नेम क्या दे दें हम टेक्स्ट टूल से, फोटो फ्रेम, राइट। कलर दे देते हैं इसका टेक्स्ट का, प्यारा सा कलर दे दिया और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसको हम कहीं पर भी उठा के रख सकते हैं इस सेलेक्ट टूल्स की मदद से। तो आज हमने इसमें क्या सीखा, पहले हमने कौन सा फंक्शंस किया था, इसमें टेक्स्ट टूल्स का यूज करना सीखा, रोटेट टूल्स का यूज करना सीखा, और क्या सीखा हमने इसमें, कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसकी मदद से हमने एक फ्रेम तैयार किया है।